हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो को कलर फोटो में कैसे चेंज किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। हम इस फ़ोटो को सबसे पहले सीधा कर लेते हैं। जो भी आप स्कैन करके फ़ोटो रखे हुए हैं उसको इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे, इस वाले टूल्स में जाएंगे और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करेंगे, फिर इसको इस प्रकार घुमा देंगे तो इस प्रकार ये सीधा हो गया है। इधर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। फिर हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। ऊपर में वेट जो हाइट है वो सब क्लियर रहना चाहिए। फिर यहाँ पर क्रॉप को इस प्रकार करेंगे, फिर साफ कर लेते हैं। जो भी यहाँ पास जो दाग देख रहे हैं उसको हम यहाँ पास साफ करेंगे। इस टूल में जाएंगे, यहाँ पास इसको पहले बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करेंगे फिर यहाँ पास अल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे, फिर इसमें क्लिक करेंगे जहाँ पर दाग हैं उसमें। फिर ये इस प्रकार साफ होते चले जाएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस प्रकार हम इसको साफ करते चले जाएंगे। इसको अगर बड़ा करके करेंगे तो जल्दी साफ होगा, इसलिए हम इसको बड़ा कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये साफ होते चला जाएगा। फिर यहाँ पास जो बाल हैं वहाँ साफ कर लेते हैं। इसको साफ करने के लिए यहाँ पास क्लिक करेंगे ऊपर में, फिर ये इसमें क्लिक करेंगे दाग में, फिर ये इस प्रकार ये साफ होते चले जाएगा। ये अल्ट के साथ ही प्रेस करेंगे तो होगा, अन्यथा ये नहीं होगा। तो इस प्रकार ये साफ हो गया है वहाँ पास जो दिख रहा था। अब इसको साफ कर लेते हैं। इसको मिलाते हुए करना है ताकि ये ख़राब ना लगे। फिर यहाँ पास नीचे में जो हार दिख रहा है उसको साफ़ कर लेते हैं। इस प्रकार जो दाग दिख रहा है उसको साफ़ करते हैं और इसको मिलाते हुए इस प्रकार सीधा सीधा करेंगे, तभी वो हार है वो सीधा आएगा। तो ये दाग यहाँ पास से हट गया है। कलर करने के लिए हम यहाँ पास इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फिर राइट साइड में जाएंगे, राइट साइड में यहाँ पास क्लिक करेंगे, फिर सॉलिड कलर जो दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पास फेस का कलर डालेंगे। फेस का कलर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई भी एक फ़ोटो ओपन कर लेते हैं, एक अच्छा सा फ्रेश कलर फ़ोटो ओपन करेंगे। इसको फिर यहाँ पास जो कलर देख रहे हैं ये जो अपर वाला, इसको यहाँ इस प्रकार क्लिक करेंगे, फिर इसको क्लोज कर देंगे तो यहाँ पास फेस का कलर आ गया है। अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये कलर वाला खुलेगा, उसके बाद ये वाला क्लिक करेंगे, फिर ओके कर देंगे। उसके बाद इसको कंट्रोल आई करेंगे, कंट्रोल आई करेंगे तो ये मर्ज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पास ऊपर में देखेंगे नॉर्मल लिखा है, उसको कलर ये जो लिखा है उसको क्लिक करेंगे, फिर इसको जूम करेंगे। फिर इसमें ब्रश टूल लेंगे, यहाँ पास दिखा देते हैं, ये जो ब्रश टूल देख रहे हैं आप इसको क्लिक करेंगे, फिर इसको सावधानी पूर्वक कलर करते चले जाएंगे। ध्यान रहे बाहर कलर नहीं जाना चाहिए, अगर जाता है तो उसको हटाने के लिए भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसको हम कलर कर लेते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी इसको कलर कर लेता हूँ। इस प्रकार ये कलर हो गया है। अब कलर को जैसे रिमूव करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पास देख रहे हैं ये जो कॉर्नर है इसको क्लिक करेंगे, फिर जहाँ जहाँ कलर एक्स्ट्रा हो गया है, ज़्यादा बाहर आ गया है, उसको इस प्रकार मिलाते हुए हम इसको ऐसे लाएंगे, माउस के को क्लिक करके लाएंगे तो ये हटते चले जाएगा।
फिर यहाँ पास सॉलिड कलर लेंगे, सेम उसी प्रोसेस को करेंगे। यहाँ पास हम जो हार का कलर है, जो उसने हार पहना है, लॉकेट जो पहना है, उसको इस प्रकार करेंगे कलर में, फिर ऊपर कर देंगे ये जो पोर्शन है उसको ऊपर करेंगे। फिर इसको कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, फिर कलर कर देंगे, कलर करेंगे, कंट्रोल आई करेंगे। कलर सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल आई करना ज़रूरी है। फिर यहाँ पास हम ब्रश टूल लेंगे, ब्रश टूल से इसको हम जो है गोल्डन कलर में कर लेते हैं। इस ब्रश टूल यहाँ पास छोटा कर देंगे, जो हार का जो आकार है उसी के हिसाब से रखेंगे। फिर यहाँ पास अगर यहाँ पास ध्यान देंगे कि अगर ये ब्लैक में रहेगा, जो अपर वाला जो बताया था ना उस, वो अगर ब्लैक में रहेगा, ये वाइट रहेगा तभी यहाँ पास कलर होगा, अगर ब्लैक में रहेगा तो नहीं होगा। तो इसको वाइट करके इस प्रकार मिलाते हुए जाएंगे तो ये कलर होते चला जाएगा। तो ये पूरा कलर हो गया है। अब उसके बाद हम फिर से एक नया लेयर बनाएंगे, इसको क्लिक करके रखेंगे सबसे पहले, फिर यहाँ जाएंगे, फिर सॉलिड कलर में जो है यहाँ पास, फिर हम कोई एक कलर लेंगे जहाँ जहाँ पास ये साड़ी को कलर करने के लिए रखेंगे। जैसे यहाँ पास एक रेड कलर ले लेते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं। इस प्रकार इसको फिर ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर नॉर्मल है उसको फिर यहाँ पास कलर में रख करेंगे, फिर इसको कलर फिल करते चले जाएंगे। इस प्रकार इसमें सावधानी से कलर फिल करते चले जाएंगे, बाहर ना आए। अगर बाहर आता है तो जो ट्रिक बताया था हटाने के लिए, उसके थ्रू इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी इसको कलर कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से एक कलर हो गया है। अब हम जो दूसरे कपड़े हैं उसको कलर करेंगे। तो यहाँ पास फिर जाएंगे, ये सॉलिड कलर में जाएंगे, फिर यहाँ पास जो दूसरे कपड़े हैं उसके लिए यहाँ पास ब्लू कलर ले लेते हैं। आप अपने हिसाब से दूसरा कलर भी ले सकते हैं। इस फिर ओके करेंगे, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे। ये ऊपर रहेगा तभी यहाँ पास जैसे नीचे में रह जाएगा तो नहीं काम करेगा, इसलिए सबसे ऊपर ही रखना पड़ेगा तो ही ये अच्छे से काम कर पाएगा। फिर यहाँ पास इसको कंट्रोल आई करेंगे तो ये मर्ज हो जाता है। फिर यहाँ पास कलर डाल दें, कलर करेंगे, फिर इसको हम देखो इसको अगर ऊपर में रहेगा, जो अपर कलर है वो ऊपर में वाइट रहेगा तभी ये कलर होगा। तो इस प्रकार हम इसको फिल करते चले जाएंगे, जो ब्लू कलर है उसको इस प्रकार हम फिल कर देते हैं। तो इस प्रकार ये इसमें भी कलर हो गया है। फिर हम इसको सबको मर्ज कर देंगे, जितना भी हम कलर किए हैं उस सबको मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए नीचे से मर्ज होता है, अगर ऊपर से करेंगे तो ये नहीं होगा। ये यहाँ पास बैकग्राउंड के जस्ट ऊपर क्लिक करेंगे, इसको फिर क्लिक करके कंट्रोल एक प्रेस करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा, नीचे में मर्ज होगा। फिर यहाँ पास क्लिक करेंगे, इसको फिर कंट्रोल ई करते चले जाएंगे तो इस प्रकार ये मर्ज होते चले जाएगा। तो ये सब एक साथ इसमें जुड़ गया है। अगर इसमें आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, जो पीछे का कलर है उसको चेंज करना चाहते हैं, या इसमें दूसरा बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसमें आप बैकग्राउंड चेंज करने के बारे में सीख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।